अस्सलामुअलैकुम सामा भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? सामा भाई, ये कहाँ पे आ गए जी आप? आपने जगह चेंज कर ली है अपनी? यार बस लोकेशन चेंज की जरूरत पड़ती है। वो बेसिकली स्टार्टअप था, थोड़ा स्टार्टिंग के मुझे लोकेशन चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे जो लोकल ऑडियंस का रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा नहीं था। सोशल मीडिया से तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है माशाल्लाह से, 24 बाइक सेल आउट हो चुकी हैं, लेकिन जो लोकल ऑडियंस थी वो अच्छी नहीं थी। तो मुझे एक्सेस थोड़ा कैपेसिटी का चाहिए था, तो अभी हम मैन सप्लाई चौक के मेल 1 करोड़ पे आ चुके हैं। तो अभी ये नया सेटअप आप देख रहे हो, नया सेटअप किया सारा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ पे भी रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा। तो सामा भाई, कौन कौन से बाइक्स हैं आपके पास अभी स्टॉक में, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं बाइक्स का? हाँ यार, ये सबसे पहले तो मेरा पसंदीदा बाइक एक आ जाता है वेलेंटिनो। ये 2019 का मॉडल है, तारो GP1 इसे कहते हैं, वेलेंटिनो 250cc सिंगल सिलेंडर ये बाइक है, वाटर कूल के साथ, और 2019 मॉडल है ये। प्राइस जो इसकी डिमांड की जा रही है वो है 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख टारो जीपी वन, और ये रेप्लिका नहीं है? रेप्लिका नहीं है, ये टेंशन बाइक है, ओरिजिनल बाइक है। और इन बाइक्स की जो आजकल कैटेगरी है जिनको चाइनीज बाइक आप कंसिडर करते हो या लो लेवल बाइक कंसिडर करते हो, उनमें सबसे बेस्ट बाइक यही आता है। ठीक हो गया, ठीक है। इसकी भी इसके जरा आप लुक्स वगैरह चेक कराए, ये DRLs आ रही हैं इसमें वाइट, ये फुल में आ गई लाइट्स, ट्रांसफॉर्मर्स वाली लुक है इसकी। और ये इसके DRL माशाल्लाह काफी प्यारी DRLs है इसकी, डुअल फ्रंट डिस्क आ जाती हैं इसमें, सही हो गया, एडवांटेज है। आगे तो सामा भाई, अब सेकंड बाइक है हमारे पास, ये कौन सा बाइक है, इसका मॉडल कौन सा है? सेकंड बाइक आपको सबको पता है, कावासाकी निंजा 250R, और ये मैं क्लेम करता हूँ कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाइक्स इन पाकिस्तान है, टोटल स्क्रैचलेस बॉडी के साथ, बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन का बाइक है। 2011 मॉडल है, ओरिजिनल माइलेज 13,000 किलोमीटर के साथ, नट बोल्ट सब कुछ जेन्युइन है, इवन आप इसके फुटरेस्ट तक देख सकते हो, उनकी कंडीशन देख सकते हो, बाइक में किसी किस्म का कोई काम नहीं है। और एक एंटीक चीज़ है, 250cc डुअल सिलेंडर बाइक, 2011 का मॉडल है, 2014 इंपोर्ट है, लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक है, खूबसूरत बाइक। इसको स्विच ऑन करके जरा हमें स्टार्ट करके बता दे थोड़ा साउंड इसका, और साउंड साउंड वगैरह सुने सामा भाई, इस बाइक की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? यार इस बाइक की जो मैं अभी डिमांड कर रहा हूँ, 2011 मॉडल, 14 इंपोर्ट, लाहौर नंबर, इसकी डिमांड की जा रही है 10.5 लाख रुपए। 10.5 लाख रुपए कावासाकी निंजा 250R, ठीक हो गया। और ये डुअल सिलेंडर बाइक है? डुअल सिलेंडर बाइक। जेन्युइन माइलेज इसकी आपने बताई 13,000 ऑलमोस्ट, 12,900 कुछ किलोमीटर, 13,000 हो गया, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं तीसरे बाइक की तरफ। हाँ भाई, ये तीसरा बाइक जो हमारे पास है, सुपर पावर आर्ची 150cc। ये सुपर पावर आर्ची है, 2021 का मॉडल है, 150cc ये बाइक है। और इस बाइक की अच्छी बात ये है कि आपको डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये बाइक तो बेसिकली है भी बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में, फर्स्ट हैंड ऑनर यूज बाइक है, सिर्फ 9,000 किलोमीटर चला है, फ्रंट डिस्क ब्रेक, बैक डिस्क ब्रेक, मोनोशॉक के साथ, 150cc कैटेगरी का ये इकलौता बाइक है जिसमें बैक डिस्क ब्रेक भी आती है विद मोनोशॉक। और बैक टेल अगर आप इसकी देखो तो बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स बाइक वाली इसकी बैक टेल है, बैक पे 130 का टायर आ जाता है, फ्रंट पे 99/17 का टायर आ जाता है, अलॉय रिम आ जाते हैं, ओरिजिनल एग्जॉस्ट के साथ ये बाइक अवेलेबल है, टोटली नीट एंड क्लीन कंडीशन का बाइक है, डिटेल डिस्प्ले मीटर के साथ आप इसका मीटर देख सकते हो, साउंड भी इसका बहुत ही स्मूथ है, आपको इसका इंजन भी बिल्कुल स्मूथ स्टार्टिंग है इसकी, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है भाई, ये दो हफ्ते से खड़ा है, अच्छा इसके टैंक के ऊपर भी DRL आ गया, हाँ इसकी बॉडी के ऊपर इसके DRL लाइट्स आ जाती हैं, हेडलाइट के अंदर भी DRL का ऑप्शन है, DRL या फिर हेडलाइट्स इसकी हैं, फुल लॉक ऑप्शन इसमें आ जाता है, किल स्विच इंजन का,
अच्छा किल स्विच भी है हमारे पास यहाँ पे मोनोशॉक के साथ, बैक पे भी डिस्क ब्रेक, फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक है, और इसका मीटर आ गया डिजिटल जिसमें हमारे पास आरपीएम एनालॉग में आ जाएगा। सेल्फ स्टार्ट के साथ किक का भी ऑप्शन है, किक भी है और सेल्फ भी है। ठीक हो गया, ये टूरिस्ट और राइडर्स के लिए बड़ा ही एक फायदेमंद ऑप्शन है। और इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं सर? इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 2021 का मॉडल है, अनरजिस्टर्ड ये बाइक है और इसकी डिमांड की जा रही है 3,20,000। 3,20,000 रुपये सुपर पावर आरची 150। ठीक हो गया। अच्छा साहब भाई, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा बाइक देख रहा हूँ, तो स्ट्रीट बाइक है ये, क्या इसका मॉडल कौन सा है, इसका नाम क्या है, जरा थोड़ी डिटेल्स दें इस बाइक के बारे में। ये आ जाता है बहुत सारे बिगिनर बाइकर्स के जो फेवरेट बाइक आ जाता है, KTM ड्यूक। लोग इसको अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, इंडियंस की जो व्हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, वो छपरी राइडर्स वाली वीडियोस। एग्जैक्टली, वो तो बेसिकली इंडिया में तो KTM कंपनी ऑफिशियली काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो इम्पोर्ट होते नहीं है। तो ये रॉक 250cc एग्जैक्ट KTM ड्यूक का रेप्लिका है, 250cc ये बाइक, लाहौर रजिस्टर्ड 2018 मॉडल, बड़ा ही खूबसूरत रेप्लिका है लिफान के इंजन के साथ। और सब जानते हैं लिफान के इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस है इस बाइक की। मोनोशॉक के साथ ये बाइक आता है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट के साथ लगा हुआ है, बैक पे इसके भी 150 साइज का टायर आ जाता है, टेल इसकी ओरिजिनल इसी स्टाइल में आ जाती है, बैक डिस्क ब्रेक है इसकी, बैक पे भी डिस्क ब्रेक आ जाती है, फ्रंट पे डुअल डिस्क आ जाती है, और 14.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, डिजिटल डिस्प्ले मीटर आ जाता है इसके साथ, और किसी भी ऑफ रोड ट्रैक, ऑन रोड ट्रैक पे आप इस बाइक को यूज करना चाहो तो ये बहुत ही बेहतरीन बाइक है। कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है, सही। और डेली राइड्स के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, ऑफ रोड ट्रेल के लिए भी यूज कर सकते हो, और पकाना चाहो तो परफॉर्मेंस में भी ये बहुत। अभी इसको ऑन रोड टायर्स लगे हैं, जैसे अगर ड्यूल पर्पस टायर लगा लें तो ये भी आप ये समझो कि ड्यूल पर्पस टायर ही है, वैसे तो ज्यादा ये रोड के लिए यूज होते हैं, लेकिन आप अगर इस टायर पे भी इसको ऑफ रोड पे ले जाओ इशू नहीं है, पर स्नो टायर्स ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। और इसका जो है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टैंक के ऊपर बड़ी प्यारे DRLs वगैरह लगी हुई है, और सामने से स्टार्ट करके दिखाएं सर आप हमें। ओके, इसमें साथ ही हमारे पास किल स्विच भी आ रहा है यहाँ पे असेंबलीज के ऊपर, और बाकी ये चोक इसकी यहाँ भी होती है साहब? ये इसकी अपनी चोक है, साथ इसमें चपड़ी राइडर्स वाले पटाखे भी लगाए हुए हैं। अच्छा, चपड़ी वाला काम भी किया है, देख के इसको पटाखे भी भिजवा सकते हैं। सही है। और जिसका एग्जॉस्ट है ये इसका चेंज है, नहीं मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है, इसके साथ कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट आता है, ये साउंड भी इसका अपना है। ठीक हो गया। और इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं आप? ये 2018 मॉडल लाहौर रजिस्टर्ड बाइक, इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 4,20,000। 4,20,000 KTM ड्यूक का रेप्लिका 250cc में, रॉक 250 सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। ठीक हो गया। ये थर्ड बाइक में देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बाइक हमारे पास खड़ा हुआ है, ये कौन सा मॉडल है, कौन सा बाइक है, रसाओं भाई बताएं इसके बारे में। ये 2018 मॉडल तारो GP2 ग्लेडिएटर है। GP2 वो जो हमने पहले देखा था, वो GP1 था, वो इसी का ही बड़ा भाई आ जाता है। सही हो। मार्केट में सब ज्यादा पसंदीदा बाइक GP1 और GP2 है, क्योंकि ये इटालियन डिजाइन है और इनकी आप कटिंग, इनकी लुक्स सबसे ज्यादा ये अपनी लुक्स की वजह से बिके जाने वाले बाइक हैं। सेम वही चीज है कि ये भी रेप्लिका नहीं है, ये भी रेप्लिका नहीं है, इटालियन बाइक आता है, ये 200cc में आता है, वो 250cc में आ जाता है। ठीक है। EFI के साथ 200cc बाइक, बहुत ही खूबसूरत लुक्स के साथ, और रावलपिंडी रजिस्टर्ड ये भी बाइक है, डिजिटल डिस्प्ले मीटर के साथ आ जाता है, इसको आउटर मार्केट मीटर इंस्टॉल्ड है, और 200cc वाटर कूल इंजन इसमें आ जाता है। ठीक हो गया। इसमें एग्जॉस्ट कौन सा लगा हुआ है, एग्जॉस्ट के बारे में बता दें। इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट अंडरटेल एग्जॉस्ट आता है, जो कि इसमें से रिमूव कर दिया गया है, अभी इसको आफ्टर मार्केट SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक। और बैक पे इसके भी सिंगल डिस्क ब्रेक आ जाती है, 140 साइज का बैक टायर आ जाता है, फ्रंट पे डुअल डिस्क आ जाती है, 110 का फ्रंट टायर आ जाता है, डुअल डिस्क। ठीक है। डिस्क ब्रेक के साथ। और इसमें यहाँ पे हमारे पास DRLs आती है, साथ हेडलाइट भी आती है। ठीक है। क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं आप?
ये 2018 मॉडल तारो GP2 ग्रीन ब्लैक कलर में, इसकी इस वक्त डिमांड की जा रही है 4,70,000 रुपए, 4,70,000। ये मॉडल हमारे पास कौन सा आ गया? 2018 मॉडल आ गया और 200cc में सिंगल सिलेंडर EFI मॉडल। सही हो गया। और ये रेप्लिका नहीं है, अगेन व्यूअर्स के लिए ये बाइक रेप्लिका नहीं है, इटालियन डिजाइन की मशीन है और बहुत ही खूबसूरत इसका रिस्पांस है, कस्टमर रिस्पांस भी इसका बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया। और फिर अगेन वही बात है कि बाय बैक की गारंटी है, बाइक लेकर जाएं, दोबारा जब आपने सेल करना है उसमें भाई के पास आए, वो हमेशा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। किसी बाइक के साथ आप चेंज करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, कैश में वापस सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास हमेशा बाइक वापस ला सकते हैं। ठीक है। अब ये ज्यादा सेगमेंट्स के बाइक थे, इनकी प्राइसेस वगैरह आई थी, अब जो बाहर हमारे पास कुछ बाइक्स खड़े हुए हैं इसके बारे में देखते हैं। स्वामी भाई चलें, बाहर चलें, आ जाएं, आपको बाहर वाले बाइक्स भी दिखाते हैं। हम शॉप के बाहर आए हैं और यहाँ पे भी कुछ बाइक्स हमारे पास खड़े हुए हैं और इसके बारे में सुनो, इसे पूछते हैं कौन सा बाइक है और क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स है। हाँ भाई, ये पहला बाइक कौन सा है हमारे पास? ये आ जाता है जी 2021 का ज़िम्को KPR 200 वाटर कूल EFI टेक्नोलॉजी, जो हैवी बाइक्स तो बेसिकली यहाँ पे अभी पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू हुआ था बेसिक किसी भी राइडर के लिए, वो इस बाइक से आप समझें कि शुरू हुआ था 2016 में, ये आने लगे थे 2016 के लास्ट में और 2017 में ये ऑफिशियली इनकी इंपोर्ट और सेल शुरू हुई थी और तमाम राइडर्स को इस बाइक ने जो है शौक डाला, मेरे जैसे इवन राइडर्स को। तो स्टार्ट मैंने भी ज़िम्को KPR से किया था, वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिटी वाइज बहुत ही रिलायबल बाइक है, परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छा बाइक है, EFI के साथ आता है, फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो 42 किलोमीटर, जो कि मतलब 200cc के लिए बहुत ही बेहतरीन माइलेज है। और इसकी पिक वगैरह कैसी है 200 के लिहाज से? और अभी यहाँ पे शोरूम पे जितने भी बाइक्स खड़े हैं तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि सबसे फास्ट पिक इसकी है, पिक वाइज सबसे अच्छा बाइक यही है। ठीक हो गया। और अगेन ये रेप्लिका नहीं है बल्कि चाइनीज ब्रांड है ज़िम्को का, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी 70cc, 100cc, 125cc हमारे पास आ रहे हैं इनके। अब ठीक हो गया। इस बाइक की जो स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात करें, टोटल बाइक स्क्रैचलेस ओरिजिनल कंडीशन के बारे ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है और फ्रंट पे डिस्क ब्रेक, बैक पे डिस्क ब्रेक, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बाकी ये टोटल फर्स्ट ऑनर का बाइक है, ओरिजिनल 17,000 किलोमीटर चला हुआ और बाइक पे कोई स्क्रैच नहीं है। इसकी फ्रंट पे DRL भी है और हेडलाइट वगैरह इसकी कैसी है? इसकी DRL भी आ जाती है और हेडलाइट में प्रोजेक्टर लैंप आया था जिसकी थ्रो बहुत ही अच्छी है नाइट विजन के लिए। ठीक हो गया। राइडर को कोई इशू नहीं होता। और इसके साथ इसका साइड मिरर्स वगैरह भी लगे हैं। इसका मीटर के बारे में क्या बता रहे हैं जी आप? मीटर इसका डिजिटल डिस्प्ले मीटर आ जाता है जिसमें एनालॉग आपको RPM मीटर गिवन होता है, फ्यूल गेज है, न्यूट्रल इंडिकेटर है और ट्रिप मीटर साथ दिया जाता है। ठीक हो गया। और इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं आप? ये 2021 मॉडल इस्लामाबाद रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑनर बाइक और इसकी डिमांड की जा रही है 4,40,000। 4,40,000। ठीक हो गया। 200cc में EFI ज़िम्को क्रूज जी। ठीक है। और इसके साथ ये कौन सा बाइक खड़े हैं जी? इसके साथ 150cc कैटेगरी का आप समझ लें बादशाह बाइक, रोड प्रिंस रॉबिन्सन, ऑफ रोड ट्रेल बाइक है, कम पैसों में छोटी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन बाइक है, 18 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आ जाता है जो कि टूरिंग और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। 18 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आ जाता है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसका मीटर दिखा मीटर की बात करें तो एनालॉग इसमें RPM मीटर आ जाता है, डिजिटल डिस्प्ले मीटर है, ट्रिप मीटर है, फ्यूल इंडिकेटर है और गियर इंडिकेटर इसमें। ठीक हो गया। ये 150cc में है, इंजन किल स्विच भी है इसके साथ, किल स्विच के साथ आता है, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी होता है, किक स्टार्ट का भी ऑप्शन, किक स्टार्ट का भी है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट के साथ ये बाइक अवेलेबल है, बैक पे इसको टिंसन 130 टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू लगा हुआ है, फ्रंट पे भी इसका टायर अपग्रेड कर दिया है ताकि ऑफ रोड ट्रेल में इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आफ्टर मार्केट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, बाकी इसका फ्रंट वाइजर और हेडलाइट बड़ी खूबसूरत लुक में आती हैं, जो आप देख सकते हो फ्रंट मड गार्ड और ये लुक्स इसके अपसाइड डाउन शॉक से साथ जाता है, फ्रंट पे भी डिस्क ब्रेक है। और ये रावलपिंडी रजिस्टर्ड बाइक है? रावलपिंडी रजिस्टर्ड ये बाइक है, 2017 का मॉडल है और इसका भी आपको साउंड टेस्ट भी करवा के बता देते हैं, चलो इसका साउंड टेस्ट भी आपको करवा देता हूँ। इंजन की साउंड नहीं है इस बाइक की, ओरिजिनल एग्जॉस्ट के साथ है ये, ओरिजिनल एग्जॉस्ट। ठीक हो। ओरिजिनल मिरर्स, ओरिजिनल इंडिकेटर, टोटल जेन्युइन कंडीशन में बाइक है और ये पूरा लेमिनेशन कोटिंग इसको हुई हुई है। सही, इसके ऊपर सारी कोटिंग हुई हुई है। ठीक है। इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है? ओरिजिनल कलर भी ब्लैक ही है। ठीक है। उसी के ऊपर कोटिंग इसलिए की हुई है ताकि इसकी कंडीशन प्रिजर्व रह सके और कंडीशन आपको बकायदा नजर भी आ रही है।
लॉन्ग ट्रिप के लिए, बाकी काफी कम्फर्टेबल चीज है। तो सामान भाई इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं? इसकी प्राइस सभी डिमांड कर रहे हैं 3,30,000। 3,30,000 रुपये मॉडल 17 रावलपिंडी रजिस्टर्ड रोड प्रिंस रॉबिन्सन 150 cc। ठीक हो गया। अच्छा सामान भाई अब हमारे पास कौन सा बाइक है? अब हमारे पास है जी डेओन 200 2019 का मॉडल। ये भी रेप्लिका नहीं है, ओरिजिनल ब्रांडेड बाइक है। 200 cc TFI वाटर कूल के साथ और फ्रंट बैक डिस्क ब्रेक अलॉय रिम्स वाटर कूल टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा ये वाटर कूल है हमारे पास। हाँ जी, डिजिटल डिस्प्ले मीटर इसमें आ जाता है, फुल डिजिटल डिस्प्ले मीटर है इसमें। 2019 का मॉडल है, ओरिजिनल 17,000 किलोमीटर इसकी माइलेज है, इसकी ठीक सिंगल हैंड यूज बाइक है ये भी। सही हो गया, 200 सीसी में और ये EFI है, कार्बोरेटर बेस्ड है, EFI वाटर कूल EFI है। और इसके DRLs देखें फ्रंट के ऊपर, फ्रंट DRLs हैं ये, इसकी फ्रंट प्रोजेक्टर लाइट्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल लाइट्स हैं। ठीक हो गया। और इसमें एग्जॉस्ट कौन सा इंस्टॉल है? एग्जॉस्ट इसको कॉपी एग्जॉस्ट है, योशिमुरा का कॉपी लगा हुआ है। सही हो गया। बैक ओरिजिनल टेल इसकी है, इस बाइक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई सिवाय एग्जॉस्ट के, इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई। हाँ, बाकी ये टोटल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। और डिमांड जो इसकी की जा रही है वो की जा रही है 4,20,000 रुपये। 4,20,000 200 cc बाइक है, 200 cc EFI वाटर कूल टेक्नोलॉजी के साथ। आपने से डायरेक्ट 2,000 बना दिया साहब भाई, क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया था फिर वो इंजन निकाल के कर रहा था। सही है, 200 cc EFI इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। अच्छा सामा भाई आप किधर अंदर जा रहे हैं? सारे महंगे बाइक्स आपने दिखा दिए, कोई ऐसा बाइक दिखाई जो गरीबों को भी थोड़ा एंटरटेन करना है। गरीब तो कोई भी नहीं है, जो बंदा बाइक ले रहा है गरीब तो नहीं है। ये बात है, सही हो गया। छुपा के रखते हैं, अगर आप थोड़ी लो रेंज में देखना चाह रहे हो तो हाई स्पीड कैंपरी 2019 मॉडल 150 cc बाइक, ये बाइक अभी अवेलेबल है। इसकी डिमांड की जा रही है 2,75,000 और ड्यूल स्पार्क प्लग के साथ 150 cc में आता है, कार्बोरेटर बेस्ड है। कार्बोरेटर बेस्ड, ठीक है। और ये कैफे रेसर जिनको पसंद है उनके लिए ये अच्छा बाइक है। डिस्क आ जाती है, बैक पे ड्रम ब्रेक आ जाती है, खूबसूरत वो विंटेज स्टाइल मीटर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें 3 सेपरेट मीटर इसके होते हैं, ये हमारे पास फ्यूल गेज आ गया, स्पीड मीटर आ गया और RPM मीटर आ गया। ठीक हो गया। गियर इंडिकेटर भी है इसमें, इसमें गियर इंडिकेटर, ठीक हो गया। और इसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं साहब भाई? की डिमांड की जा रही है 2,75,000। 2,75,000 मॉडल हाई स्पीड इंफिनिटी वाइट कलर में। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास लो बजट के अंदर कौन से बाइक्स हैं? और लो बजट एक ही है, दूसरा थोड़ा हाई बजट है, वो भी आपको दिखाते हैं। सही हो गया। ये हमारे कैमरा मैन भाई बचे ना आगे से। अच्छा, लो बजट में आपके पास 2018 मॉडल YBR है, इसकी डिमांड की जा रही है 2,30,000 रुपये। ठीक हो गया। और उसके बाद वो आपका अपना जाती VIP बाइक, जिसकी डिमांड आप जितनी भी करें आपको आपको जो ठीक लगे, क्योंकि 2023 का मॉडल YBR है तो इसकी मार्केट वैल्यू तो ऐसे भी लोगों को इंटरनेट पर पता ही है। नया YBR आ रहा है 4,95,000 रुपये का, ये ना करते हुए 4,25,000 का तो है ही। आपने सारे दिखा दिए हैं, अब आप जरा व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर दें कि शोरूम की लोकेशन क्या है। जी हाँ व्यूअर्स, तो पहले आप मेरे पास आते थे मरी रोड शेल पंप के ऑपोजिट, वो शोरूम अभी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अभी मैं आ चुका हूँ मैन सप्लाई चौक में, बाइक लॉट शोरूम यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ये PMA लिंक रोड है जहाँ पे हम आ चुके हैं, और अगर आप देखें तो सामने मेन सप्लाई चौक है, मेन सप्लाई चौक मस्जिद के आगे नीचे आएंगे तो 8वें नंबर की दुकान है बाइक लॉट शोरूम। यहाँ पे आपको हैवी बाइक्स हर तरह की वैरायटी मिलेगी, और अगर जो बंदा PMA साइड से आना चाह रहा है तो वो ये वाला रूट इस्तेमाल करेगा। हाँ, और सीधा सामने हर वीक वैरायटी चेंज होती रहती है, बाइक्स चेंज होते रहते हैं। पुराना जितना स्टॉक था, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं, वो सारे सेल आउट हो चुके हैं। ये टोटली नया स्टॉक है, नए बाइक्स हैं, और विद इन अ वीक और 2 वीक्स इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर प्रमोशन भी की जाएगी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये बाइक्स भी जल्दी सेल आउट हो जाएंगे, और बहुत जल्दी स्कूटीज़ भी आ रही हैं, ATVs भी आ रहे हैं और ट्रेल बाइक्स भी आ रहे हैं। तो सपोर्ट करते रहिए, चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाइक डॉट के PK चैनल भी ज़रूर है, अमर जमान के चैनल से सब्सक्राइब करें और बाइक को सपोर्ट करें। ठीक हो गया। और बाकी मज़ीद स्टॉक भी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आएगा, बाकी जो स्टॉक आपको भी दिखाया है ये बाइक्स हैं, बाकी बाइक्स तो अंदर खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आए, अब यहाँ पे आपको अच्छी प्राइस में अच्छा बाइक मिलेगा, और बाय बाइक की गारंटी है, सामान भाई आपको बाय बाइक की गारंटी दे रहे हैं। और अगर आप किसी बाइक के साथ दोबारा एक्सचेंज करना चाहें तो वो भी आपके साथ पॉसिबल है, हम कर सकते हैं यहाँ पर।
और ये समा भाई आपके वर्किंग डेज कौन से हैं जी, जरा आप व्यूअर्स के लिए भी क्लियर कर दें आज। देखें जी, पुराने वर्किंग डेज जो थे ना उसमें मेरा फ्राइडे ऑफ था, और ये वीडियो आज बन रही है फ्राइडे क्योंकि आप जैसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा फ्राइडे ऑफ करवाया है और आपने ये बोला है कि अब संडे को हम राइड किया करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को भी जुमे की नमाज के बाद अवेलेबल हुआ करूँगा। संडेज ऑप्शनल हैं, संडे को कभी मैं हूँगा, कभी हम लोग राइड पर अगर हुए तो राइड पर नहीं होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम हर संडे ही राइड करेंगे, तो संडेज शायद छुट्टी ही हो, लेकिन जिस दिन छुट्टी ना हुई मैं उस दिन भी शोरूम पे अवेलेबल हूँ। लेकिन फिर भी आप मुझे मेरे गिवन नंबर्स पे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड पे भी गिवन है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे हर चैनल पे ये नंबर्स गिवन है, मुझे आप जब चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद बाइक आप मुझसे खरीद सकते हैं। 150 रुपये हो गया आपके। 150।